अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देश के कई हिस्सों और खास तौर पर गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया जैसे उत्सवों की धूम देखने को मिलती है। उसकी एक झलक बठिंडा में देखने को मिली। यह एक पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग सामूहिक तौर पर करते हैं। महिलाएं इसके आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और लोग एक साथ पारंपरिक परिधानों में दिखते हैं। मैं नीलेश पेशानी गुजराती समाज का एडवाइजर हूँ। हम 20 साल से नवरात्रि कर रहे हैं, ये हमें 20वां साल है और काफ़ी गुजराती भी आ रहे हैं और हमने काफ़ी पंजाबियों को भी सिखाया और फ्री ट्रेनिंग दी जाती है हमारे द्वारा और यहाँ पास के फ्री दिए जाते हैं और एक ऐसी आस्था है जो 9 दिन तक लगातार पास रखते हैं और 9 दिन तक लगातार डांडिया करते हैं और बिना खाए पिए माता की भक्ति करते हैं। एक डांडिया का राग होता है और दो गरबे के राग होते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले हम गुजरात जाते थे पर अब काफ़ी समय से हम उधर मना रहे हैं और ये ऐसा काफ़ी जगह मनाया जाता है पर वहाँ पे हिंदी सॉन्ग वगैरह बजाते हैं पर हम सिर्फ माता के पेट से ही डांडिया करते हैं। कितनी टाइम से ये 20 साल से हम डांडिया कर रहे हैं। ये 20 साल पूरे हो गए। मैं नीलेश पेशानी गुजराती समाज का एडवाइज़र हूँ। हम 20 साल से नवरात्रि कर रहे हैं, ये हमें 20वां साल है और काफ़ी गुजराती भी आ रहे हैं और हमने काफ़ी पंजाबियों को भी सिखाया और फ्री ट्रेनिंग दी जाती है हमारे द्वारा और यहाँ पास में फ्री दिए जाते हैं और एक ऐसी आस्था है जो 9 दिन तक लगातार पास रखते हैं और 9 दिन तक लगातार डांडिया करते हैं और बिना खाए पिए माता की भक्ति करते हैं। एक डांडिया का राग होता है और दो गरबे के राग होते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले हम गुजरात जाते थे पर अब काफ़ी समय से हम उधर मना रहे हैं और ये ऐसा काफ़ी जगह मनाया जाता है पर वहाँ पे हिंदी सॉन्ग वगैरह बजाते हैं पर हम सिर्फ माता के पेट से ही डांडिया करते हैं। कितनी टाइम से ये 20 साल से हम डांडिया कर रहे हैं। ये 20 साल पूरे हो गए। कैमरामैन कपिल शर्मा और कुलविंदर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।